वेलकम बैक टू माय चैनल मी सरशप्रीत कौर। सो गाइस, आज फिर से एक नया ट्रैवलिंग ब्लॉग स्टार्ट होने जा रहा है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये समर वेकेशन का सेकंड और मे बी थर्ड ट्रिप है, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने पिछली वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया और कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थे कि आप ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे। तो मैं थोड़ी सी बिजी थी और अब आपको कंटिन्यूस ब्लॉग मिल रहे हैं ट्रैवलिंग के। जल्दी जल्दी अब उनको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइस, लेट्स बिगिन इन द वीडियो। जा रही है तभी हम यहाँ से थोड़े बहुत फ्रूट्स ले रहे हैं घर के लिए। Thank you.
रखे हो तुम, जिनको लगी प्यास अमृत से खाए, गुण गोविंद गाए हो जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर, दर्शन पर से गुरु है, जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से इंस्टाग्राम पर जल्दी जल्दी जाके फॉलो करो, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आईडी गिवन है और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने सारी पोस्ट एंड रील्स एंड
डेली अपडेट्स वहीं पे ही मैंने अपलोड की रही हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि आप सबको पता है कि अभी न्यू हाईवे स्टार्ट हुआ है कीर्तपुर टू मनाली 4 लेन रोड, वो भी ओपन नहीं हुई है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी मत जाओ, जिसने भी मनाली मणिकरण साहिब रोहतांग पास जहाँ पे भी जाना है मत जाओ, बिकॉज वो भी रोड बंद है, वहाँ पे भी स्टिल वर्क चल रहा है। और आप सभी लोगों से और मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी लोगों को स्वारघाट और बिलासपुर के गांव से निकलना पड़ेगा, और रात को वहाँ पर लाइक ट्रैवलिंग करना वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बाकी आप जैसे आप सबकी मर्जी, ओके। मेरा था काम आपको इन्फॉर्मेशन देना। बाकी रोड्स तो बिल्कुल अच्छी हैं, बट रश काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज जून का मंथ चल रहा है एंड समर वेकेशन एंड हॉलीडेज है स्कूल में, इसीलिए बहुत ज़्यादा रश है। बाकी दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, और अगर आपको गुरुद्वारा साहिब की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री की वीडियो लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ओके गाइस, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।